अब आप चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लीजिए या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर आप सॉल्व करते हैं तो a वन है, b माइनस एट है, c 16 है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से आप कर सकते हैं। और फैक्टराइजेशन में यहां पर एक तरीका और है, कोई बताएगा? तो जब कभी भी तीन टर्म में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो, आपको फौरन ये आइडिया आना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स कि यहां पर ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर डिपेंड के मिडिल टर्म किस साइन में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। ठीक, तो चलिए बहरहाल मैं इसको करूंगा मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ही, मगर मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं कि आप चाहें तो आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, इट विल बी क्वाइट इंप्रेसिव। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह एम आ गया, ठीक, क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल के ऊपर वो पावर लगाते हैं कि जब वो बाहर टू से मल्टीप्लाई हो तो वापस क्या आ जाए, टू आ जाए। तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट में आपको एम के ऊपर पावर क्या चाहिए, वन, और पावर वन हम लिखते नहीं है। तो एम का होल स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर होगा, किसका होल स्क्वायर 16 के इक्वल होगा, 4 का। और आपको पता है 2ab में करते क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी उसको उठा के यहां लिख दिया और जो आखिरी ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई उसको उठा के यहां लिख दिया, जो आपने ब्लैंक्स को फिल कर दिया। अब इससे पहले कि आप ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करें, चेक कर लें कि मिडिल टर्म के बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर मिडिल टर्म के बराबर है तभी ये वाली फैक्टराइजेशन सक्सेसफुल है, वरना हमें फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो एम का स्क्वायर तो एम स्क्वायर ही होता है तो हमने खुद रखा, फोर का स्क्वायर 16 होता है तो हमने खुद रखा, असल टेस्ट तो मिडिल टर्म को करना है। तो 2 4 8 into m, 8 m, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ 8 m, इसका मतलब है we are right, यहाँ पर ये a square minus 2b plus b square, a minus b का square का formula बनता है, यानी कि m minus 4 का whole square, और square खत्म करने के लिए you have to take square root on the both sides of the equation, उससे square खत्म हो जाएगा, और m minus 4 किसके equal आ जाएगा, 0 के, 4 इधर minus में वहाँ पे जाएगी किसमें हो जाएगा, plus के, तो मुबारक को m की value 4 आ भी गई है, और जब आप m की value 4 को उठा के यहाँ लिखेंगे, तो आपको base same करनी पड़ेगी। तो 4 को आप 2 की क्या पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो बेस इक्वल हो जाएंगी और पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो इस 2 पर तो पावर x है, मगर ये जो 4 की जगह 2 आएगा उस 2 पर 4 बनाने के लिए क्या पावर होगी, 2 की पावर 2, मतलब ये सॉल्व हो गया सवाल, x की पावर 2 है इसका जवाब, x इज इक्वल टू 2 है इसका जवाब, ये जो x की वैल्यू ने पूछी थी वो पता चल गई वो 2 है, हो गया सॉल्व सवाल। चले तो यहां पर हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट में मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 116 हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 16 हो बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म जब वो दोनों प्लस हो तो मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म क्या है 8। अब हमें पता है ऐसे नंबर लाने के लिए हम काउंटिंग शुरू करते हैं डिवाइड करने के लिए, 16 डिवाइड बाय 1 16, 16 प्लस 1 17 होता है, मगर हमें चाहिए 8, आगे बढ़ते हैं 16 डिवाइड बाय 2 8, मगर 8 प्लस 2 तो 10 होता है, हमें 8 चाहिए, 16 डिवाइड बाय 3 तो पॉइंट में आएगा क्योंकि 16 तो 3 के टेबल में आते ही नहीं तो बेकार है डिवाइड करना, 16 डिवाइड बाय 4 जवाब आया 4, 4 प्लस 4 8, ठीक। याद रखिएगा जब दोनों नंबर सेम आ जाएं, ये भी इस बात की निशानी है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइज हो सकता था, इसकी खास निशानी है जब दोनों नंबर्स क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, यानी कि जब मिडिल टर्म दो सेम नंबर से टूटे, ये इस बात की निशानी है कि आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी फैक्टराइज कर सकते थे। बट चलें हम यहां पर वैसे ही तोड़ते हैं, एम स्क्वायर 8m को तोड़कर लिख दिया 4m और 4m। अब आपको पता है प्लस के प्लान में दोनों के साथ सेम साइन आता है तो मिडिल टर्म में माइनस है, दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म में से m कॉमन आ गया, m स्क्वायर में से m बाहर m अंदर, 4m में से m बाहर 4 अंदर, फिर माइनस साइन के बाद इधर आप देखें तो 4 कॉमन है, 4m में से 4 बाहर है, m रह गया, ये वाला साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 कितने जा 16, 4 4 जा 16। अब ये दो टर्म्स हैं और आप देख सकते हैं इन दो टर्म में मजीद क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस 4, और m माइनस 4 कॉमन के बाद क्या रह जाएगा, इधर से m रह जाएगा और इधर से माइनस 4 रह जाएगा, यानी कि m माइनस 4 ही रह जाएगा। और जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जीरो के इक्वल हो आप दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर सकते हैं। तो m की एक वैल्यू क्या आ गई 4,
m की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि m की दूसरी वैल्यू आई नहीं है, m की एक ही वैल्यू आई है 4,